जाना किस शहर में? कलकत्ता। राय बहादुर चौधरी निवास। ये हमारे साले साहब हैं। वाह, फिर तो आज से हम भी इन्हें साले साहब ही कहेंगे। अच्छा। ये क्या? जिस तरह आपने आज छोटे बाबू को चुनने के लिए प्रसाद दिया है, उस तरह एक दिन और दे दीजिएगा। लेकिन उसमें शहर में लाके यह है तुम्हारा कार्यालय, मोहिनी सिंदूर कार्यालय। अब से रोज तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। आओ, अंदर आओ। पाठक जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक। जरा सुगने बाबू को बताइए कि बहन से मिलने आया हूँ। जी आप लोग बैठिए, मैं अभी उन्हें खबर देता हूँ। ठीक। जी, ये कैसा दफ्तर है? ना कोई भगवान की मूर्ति, ना कोई फोटो। ये ब्रह्म समाजी है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। कहते हैं ये पुतले हैं। पर तुम्हें से क्या लेना देना है? तुम्हें अपनी नौकरी करनी है और 7 रुपए लेने हैं बस। आइए मास्टर जी, आपको बुला रहे हैं। हाँ, तुम बैठो, मैं भी बुलाता हूं तुम्हें। आइए, आपको भी बुला रहे हैं। जी ठीक है। बड़े बाबूजी, आओ भाई साहब, आओ। आप हैं सुविनय बाबू? नमस्ते। नमस्ते। ये हैं इनकी धर्मपत्नी? नमस्ते। और ये हैं इनकी बेटी जबा? नमस्ते। ये हैं आपके साले साहब? जी हाँ। और ये बहुत ही भोले हैं, दुनियादारी से एकदम परे। कोई बात नहीं, शहर की आबो हवा इन्हें सब कुछ सिखा दे। तुम्हारा नाम क्या है? जी भूतनाथ। बुआ ने मेरा ये नाम रखा है। जब बेटी गलत बात, किसी भी चीज का अर्थ समझने से पहले उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तुम जानती हो शिव जी का दूसरा नाम भी भूतनाथ ही था। जी रहने दीजिए, मैंने इनकी हंसी का बुरा थोड़े ही माना है। मेरा नाम सुनकर सभी हंसते हैं, यहां तक कि राधा भी हंसती थी। राधा? कौन राधा? मेरी बुआ की बेटी। ये मेरी स्वर्गवासी पत्नी के बारे में कह रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। भाई ब्रज रखाल बाबू, आपके साले साहेब हमें बहुत पसंद आए, इनकी नौकरी पक्की। तुम आज ही से काम शुरू करना चाहोगे? जी जी। जब बेटी जी, इन्हें दफ्तर ले जाओ और पूरा काम समझा दो। जी चलिए।
आइए, चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो देखो, वहाँ सिंदूर की पिसाई और छनाई होती है और यहाँ से ग्राहक डिब्बियों को खरीद कर ले जाते हैं। और ये हमारे पाठक बाबू सारा हिसाब किताब देखते हैं। और वो देखो, वहाँ डिब्बियों पर लेबल लगाई जाती है। इधर आओ, आओ, आओ। और ये है तुम्हारी कुर्सी। मेरी? हाँ, तुम्हारी। बैठो बैठो बैठो। आपने बताया नहीं मुझे क्या काम करना होगा। आपने तो पूछा ही नहीं। तो अब बता दीजिए। देखो, सारा काम से काम तुम्हारे से है। खतों की ताबत करना, मनी ऑर्डर डीपी का काम, एजेंटों के पास बिल भेजना वगैरह वगैरह। लेकिन इस मोहिनी सिंदूर के गुण क्या हैं? अब एक गुण हो तो बताओ ना। समझ लो कि बिजली की ताकत है हमारे मोहिनी सिंदूर में। जो लोग जीवन से हताश है, जो प्रेमी अपनी प्रेमिका की मोहब्बत पाना चाहते हैं, उसे दिल की रानी बनाकर रखना चाहते हैं, वो हमारे मोहिनी सिंदूर की करामत को जरूर आजमाएं। पति पत्नी, बाप बेटा, मालिक नौकर, गुरु चेला, ऐसे हजारों लोग मोहिनी सिंदूर की वजह से अपार शांति पा रहे हैं। और यहाँ तक के तो एक स्त्री ने अपनी शराबी पति को संसारी बना इसी सिंदूर के बल पर, और एक बदनसीब ने 20,000 की लॉटरी जीती। ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं ये मोहिनी सिंदूर का असर तो नहीं? मतलब? आप अपनी बातों से दूसरों को अपनी तरफ मोहित कर देती हैं। लेकिन तुम मोहित मत हो जाना। नहीं। ओफो, तुम ना बातें बहुत करते हो। मैं तो कुछ बोला ही नहीं। तो क्या मैं बोल रही हूँ? अरे बोलूंगी नहीं तो क्या गुंगों की तरह इशारों से काम समझाऊंगी तुम्हें? अब देखो, फिर से तुम बातों में समय नष्ट कर रहे हो, अपने काम पर लग जाओ। ये देखो, ये चिट्ठी आप पढ़ो, इनका जवाब दो और फिर बाद में आकर मुझे जवाब देना। आपको? हाँ, मुझको। तुमने क्या काम किया, क्या नहीं किया, सब तो मुझे आके बताना है। जी। और हाँ, महाराज ठीक 1:30 बजे भोजन लगाता है, भूख लगे तो पहुंच जाना, नहीं तो काम करते रहना। बाप रे, कितना बोलती है। लीजिए, शुरू कीजिए। सुनिए, कहिए। दाल वाल कुछ? चावल आए हैं तो दाल भी आएगी। आप चावलों के बीच जगह तो बनाइए। सबसे ज्यादा मछली पसंद है और उसे ही तो छोड़ रहा है। मेरा पेट भर गया। अरे अब खाएंगे या देखते रहेंगे? सब्जी और मिलेगी? आपके हिस्से की जितनी सब्जी मुझे भंडार से मिली थी उतनी मैंने बना दी, अब और नहीं है तो कहां से दूं? अब जल्दी खा लीजिए वरना हाबू की माँ आकर इसे जूठन समझकर उठा ना ले जाए। Thank you.
जरूर आप साले साहब को देखी होगी। साले साहब, भला ये क्या नाम हुआ? नाम तो हमू का ना ही मालूम, लेकिन सब उनका साले साहब पुकारा थे। किसके साले साहब है ये? अरे बहुरानी, अपने मास्टर जी है ना, उन्हीं के साले साहब हैं, उन्हीं के साथ रहा थे। नौकरी के वास्ते कलकत्ता आवा। नौकरी मिली क्या? हाँ मिली है ना, मोहिनी सिंदूर में काम करत है। अब काव करत है अभी तो हम नहीं जाते। ये नाम सुना सुना लगता है। अच्छा तू जा। अच्छा बहू। भाई साहब आइए, कहिए कैसा रहा नौकरी का पहला दिन? जी बहुत अच्छा। सुविनय बाबू तो बहुत ही हसमुख है, और उनकी बेटी जवा वो तो बहुत ही बोलती है, मगर अच्छे स्वभाव की है। अच्छा जीजा जी, आज जब हम सुविनय बाबू के दफ्तर गए थे तो मैंने बहुत ही सुरीली आवाज सुनी थी, वो कौन गा रही थी? सुविनय बाबू की बेटी जवा। जवा गा रही थी? अच्छा, जितनी वो सुंदर है उतना ही सुंदर उसका गला है, मन मुग्ध हो जाता है। आप मुझे कुछ ज्यादा ही मुग्ध लग रहा है। जीजा जी, मैं तो तारीफ कर रहा था। पता भाई साहब, एक लड़की की तारीफ कब की जाती है? कब? क्या भाई साहब, आप एकदम भोले हैं। नमस्ते भूतनाथ भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। जी कोई काम? नहीं कोई खास काम तो नहीं है, बस अचानक पिताजी की याद आ गई तो मैंने सोचा कि पिताजी की कहानी तुम्हें सुनाकर अपने दिल का दर्द हल्का कर दूं। पिताजी आप ये कहानी बाद में भी तो सुना सकते हैं ना। बेटी जब दर्द अभी है तो दवा भी अभी ही मिलनी चाहिए ना। जी आप पिताजी की कहानी की बात कर रहे थे। हाँ, तो सुनो मेरे पिताजी की कहानी सुनो। पिताजी कट्टर हिंदू थे, माँ काली के सच्चे भक्त। शनिवार को पूजा शुरू करते थे तो रविवार की सुबह को जाकर खत्म करते थे। तब तक अन्न जल कुछ भी नहीं लेते। लेकिन पिताजी आपको अचानक दादाजी की याद कैसे आ गई? बेटी रविवार को तेरा जन्मदिन है और शनिवार से लेकर रविवार तक उनकी पूजा का दिन हुआ करता था। अरे उन्होंने ही तो माँ काली पर तेरा नाम रखा था, जबा मई, काली का प्यारा फूल। जी रविवार को आपका जन्मदिन है? अगले रविवार, कहीं इसी रविवार को ना आ जाना। पिताजी वैसे दावत के लिस्ट में इनका नाम तो है ही नहीं है, तो लिख दे। नहीं पिताजी, इनका नाम लिखकर स्याही बर्बाद क्यों करें? ये तो ऐसे ही बोलने पर आ जाएंगे। आएंगे ना? जी जी हाँ आ जाऊंगा। इतना काफी है या फिर से एक बार बोलूं? जी नहीं जरूर आऊंगा। अरे भाई वो तो तुम आओगे ही, लेकिन अब जो आ गए हो तो पिताजी की कहानी सुनते ही जाओ। आओ बैठो। पिताजी आप तो बता चुके हैं। कहाँ बता चुका हूँ बेटा, मैं तो बताने जा रहा था कि अचानक तेरी बात बीच में आ गई। चुप कर तू। तो सुनो, पिताजी कट्टर हिंदू थे। चलिए चलिए, मालकिन छज्जे पे खड़ी है। छज्जे पे खड़ी है? मेरे पास आ। मनु तुम गिर जाओगी। वो तो चला गया माँ। हाँ
बंसी आपको पूछ रहा था। बंसी? क्यों? मालूम नहीं। ठीक है। बंसी क्यों पूछ रहा था? कल मैंने छोटी बहू को देख लिया था, कहीं छोटी बहू ने शिकायत तो नहीं कर दी? हे भगवान, रक्षा करना। साले साहब, आपकी हम बहुत देर से राह देख रहे हैं। क्यों? आपको थोड़ी देर के बाद मेरे साथ चलना है। कहाँ? अब छोटी बहू रानी ने आपको बुलाया है। भला छोटी बहू ने मुझे क्यों बुलाया है? अभी तो हम नहीं जानित, पर हम इतना जानित है कि आज से पहले ही हवेली में ऐसा कभी नहीं हुआ। कैसा? अरे यही जो ना आपको बुलाया है। अभी जाना है? नहीं भाई, नहीं भाई, तो छोटे बाबू हवेली में है, उनकी बग्घी लग चुकी है, थोड़ी देर में वो जान बाजार चले जाएंगे। वो जैसे जाएंगे ना, हम आए के आपको लेके चलेंगे। ठीक है? मुझे क्यों बुला भेजा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? गड़बड़ तो मैंने खुद की है। क्या जरूरत थी मुझे हवेली की तरफ देखने की? आज तक किसी दूसरे मर्द ने हवेली की औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा, और मैंने देख लिया। क्या करूं? जीजा जी भी नहीं आए। जीजा जी को बता दूं? नहीं नहीं नहीं, पता नहीं वो मेरे चरित्र के बारे में क्या सोचे। क्या हुआ चिंता? बंसी कहाँ रह गया? भूतनाथ को अब तक बुलाकर नहीं लाया? छोटे बाबू भी जान बाजार चले गए हैं। बंसी भैया शायद उन्हें लाने ही गए होंगे, लेकिन लेकिन क्या चिंता? लेकिन छोटी बहू रानी, एक पराया आदमी को आप अपने कमरे में बुलाकर क्या अच्छा कर रही हैं? ये तू नहीं समझेगी, ये मैं अपने लिए अच्छा ही कर रही हूं। था भाई साहब, ऐसे बैठे हुए हैं? नहीं, भोजन किया कि नहीं? आप ही की राह देख रहा था। भाई साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। दफ्तर में कोई बात तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर चलिए भोजन कर लेते हैं। आप नहा लीजिए, मैं खाना लगाता हूँ। क्या हुआ मुझसे? भूतनाथ साथ नहीं आए? छोटी बहू रानी, हम घर रहे तभी मास्टर जी आ गए, और उनके सामने हमको बुलाना अच्छा नहीं लगा। हम कल मौका मिलते ही बुला लाएंगे। तूने कहा ना उनसे कि मैं मिलना चाहती हूँ? हाँ बहुरानी, हम बोल दिए ना उनका।